अभी हम लोग SMPS के इंडिविजुअल वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज कैसे चेक करेंगे उसके बारे में जानेंगे। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये शॉर्ट करना पड़ेगा, पावर कनेक्शन देना पड़ेगा। उसके बाद आप मल्टीमीटर से आप इसके हर इंडिविजुअल आउटपुट वोल्टेज को चेक कर सकते हैं। इसके लिए मल्टीमीटर पे आप इसको DC में सेट करें, DC वोल्टेज में, और इसका मैक्सिमम वोल्टेज रेंज जो है 20 वोल्ट पे रखें, क्योंकि SMPS का आउटपुट वोल्टेज 12 वोल्ट प्लस 12 वोल्ट मैक्सिमम प्लस 12 वोल्ट होता है। तो ये सेट करने के बाद अभी आप इसका ब्लैक कलर प्रोब को एक ब्लैक कलर का कनेक्टर पे कनेक्ट कर लें, जो कि आपका ग्राउंड है। अभी इसके बाद आप इंडिविजुअल कनेक्टर पे जैसे ही रेड कलर का प्रोब लगाएंगे तो आप उसका आउटपुट वोल्टेज देख सकते हैं मल्टीमीटर के ऊपर। जैसे मैंने ऑरेंज कलर का वायर पे मैंने ये रेड कलर का प्रोब कनेक्ट किया और इसका आउटपुट वोल्टेज 3.43 दिखा रहा है, जो कि इसका आइडियल रेटिंग जो है 3.3 वोल्ट है। फिर ब्लू कलर पे आप रखेंगे तो ये आपको -12 वोल्ट दिखा रहा है। फिर आप अगर रेड कलर पे रखेंगे तो आपको 5.25 वोल्ट दिखा रहा है, जो कि आइडियली 5 वोल्ट होना चाहिए। धीरे से आप इस कनेक्टर को टर्न कर लें और आप इसे येलो कलर पे लगाएंगे तो आपको ये पॉजिटिव 12 वोल्ट बताएगा, जो कि अभी मीटर पे 12.39 वोल्टेज बता रहा है। सो ऐसे करके आप हर एक इंडिविजुअल कनेक्टर पे इसका आउटपुट वोल्टेज चेक कर सकते हैं।